काबिले तारीफ बल्लेबाजी समीर द्वारा अपने हौसले दर्शाते हुए अपने इरादे स्पष्ट करते हुए फिर से एक मर्तबा मंगेश राइट हैंड ओवर द विकेट समीर के लिए। फुल टॉस लाइन की गेंद सीधे बल्ले से किया गया प्रहार। दोनों बल्लेबाजों ने आपसी कॉल के साथ एक दूसरे को रोका। रुकी हुई गेंद के साथ समाप्ति हुई डॉट गेंद के साथ स्कोर जा पहुंचा है। रुका हुआ स्कोर 4-2 गेंदे और 4 रन 4 गेंदों का खेला ना बाकी। फिर से एक मरतबा लंबे रन अप के साथ मंगेश टू समीर। अच्छी गेंद आड़े बल्ले से फ्लिक जरूर किया, अच्छे फील्डिंग वहां। केवल एक रन इस एक रन से स्कोर जा पहुंचा है। 3 गेंदे और 5 रन 3 गेंदों का खेला ना श्रेष इस ओवर से। अब स्ट्राइक रोटेट हुआ है, फ्रेश बैट्समैन बल्लेबाजी करेंगे मुदस्सर। तो चौथी गेंद का सामना करेंगे पहली मरतबा इस ओवर में। होम ग्राउंड का एडवांटेज जरूर रहेगा तेलंगा ए को। अच्छी गेंद रोहित स्वीप का प्रयास जरूर किया था, पूरी तरह से चूके। गलती को क्रिकेट की परिभाषा में माफी नहीं, जो आपने गलती की है उसका भुगतान तो करना ही होगा। गलती की रिवर्स स्वीप पहला गेंद था। हिम्मत की दाद दूंगा, सलाम करूंगा आपके हिम्मत को। शट अप लाइन की गेंद को सही नसीहत बख्शने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन आपकी अगर नजर मजबूत नहीं तो आपके इरादे मजबूत नहीं। 4 गेंदों की समाप्ति हो चुकी है, 5वीं गेंद लेकर। अच्छी गेंद आड़े बल्ले से फ्लिक जरूर करना चाहते थे, कीपर के दस्तानों से पीछे जाती हुई गेंद। अंपायर से दाद जरूर मांगा है, अंपायर हमारी तरफ मुड़े जरूर है। 2 रन मुकम्मल, इस 2 रन से स्कोर जा पहुंचा है और वाइट टोटल 3 रन। स्कोर जा पहुंचा है 3 रनों के साथ 8 रन। तो 4 गेंदों का खेल हो चुका है। पावर प्ले के ओवर में 10 के अंदर अगर रन खर्च करते हो तो ऐसी क्रीड़ा नगरी पर पहली गेंद पे चौका लगने के बाद अब तक आपने अगर वो टोपी उठा ले कीपर, अगर उस टोपी को गेंद लग के रुकती है तो चौका दिया जाएगा। तो 4 गेंदों का खेल हो चुका है, 2 गेंदों का खेलाना श्रेष है। फिर से एक मरतबा राइट हैंड ओवर द विकेट मुदस्सर। फुल टॉस लाइन की गेंद सीधे बल्ले से सम्मान बख्शा। रनआउट का मौका हो सकता था लेकिन गवा दिया। तो रुकी हुई गेंद के साथ रुका हुआ स्कोर 9। 5 गेंदे और 9 रन। आखिरी गेंद का सामना करेंगे समीर, और समीर के लिए आखिरी गेंद करेंगे मंगेश। राइट हैंड ओवर द विकेट मंगेश टू समीर। अच्छी गेंद ब्लॉक लाइन की गेंद ऑन द टारगेट फेंकी हुई गेंद। तो ओवर की समाप्ति अंपायर का इशारा, 6 गेंदे और 10 रन। एक ही ओवर पावर प्ले रहेगा, पावर प्ले के बाद 5 खिलाड़ी अंदर रहेंगे, कीपर बॉलर और 3 फील्डर। तो इस मैच के अंपायरिंग करते हुए फहीम और फैजान। तो अब मंगेश ने जो काम शुरुआत किया था उसको अंजाम देने के लिए बॉलर्स ने समीर अपने कोटे की पहली टीम की जब से दूसरी ओर लेकर समीर। अच्छी गेंद वेरिएशन के साथ गेंदबाजी होती हुई, जिस तरह तेज तर्रार आए थे उसके मुकाबले में बहुत यानी 50% स्लो वेरिएशन किया था, कि जिस तरह का रनअप था उस तरह की गेंद नहीं। तो इसी में चकमा देने में कामयाब हुए समीर को। रुकी हुई गेंद के साथ रुका हुआ स्कोर है 10 रन। फिर से एक मरतबा राइट हैंड राउंड विकेट, गेंदबाजी का भार संभाले हुए समीर। ब्लॉक लाइन की गेंद सीधे बल्ले से प्रहार जरूर किया है, लेग की दिशा में काउ कॉर्नर पे आती हुई गेंद। पहला रन तेजी के साथ मुकम्मल की, अच्छी फील्डिंग उमेश द्वारा। उतना ही खराब थ्रो कहूंगा कि थ्रो वही सटीक रहता है जो डायरेक्ट जाए।
ऐसी क्रीड़ा नगरी पर अगर आप टप्पा थ्रो फेंकते हो तो गेंद घूम कर कीपर के दस्ताने से पीछे जाएंगी, तो एक बदलेगा दो में, दो बदलेगे तीन में, तीन बदलेगे चार में, इसे एक रन से स्कोर जा पहुंचा है 11। तो अब मुदस्सिर को अपना बल्ला खोलना होगा। मुदस्सिर ने अब तक दो या तीन गेंदों का सामना किया है, केवल एक रन बनाया है। दूसरी ओर लेकर समीर टू मुदस्सिर, अच्छी गेंद सीधे बल्ले से जरूर लपेटा है उमेश गेंद के नीचे, अच्छी फील्डिंग कहूंगा, गेंद पर पहुंचे नहीं थे लेकिन अच्छा प्रयास कैच का, केवल दो रन से संतोष होना पड़ेगा। इस दो रन से स्कोर जा पहुंचा उछलता कूदता 13 रन। तो समीर की तीन गेंदें हो चुकी, तीन गेंदों में केवल तीन रन खर्चे हैं, तो अच्छी गेंदबाजी। तो मुदस्सर जो स्ट्रोक ले रहे हैं उत्साह में ज्यादा भरोसे में कम, भरोसे से स्ट्रोक खेलने होंगे तो ही अपने जीत को और अपने टीम की जीत को दिला सकते हो, हासिल कर सकते हो। अच्छी गेंद बल्ले के बीच से क्या प्रहार, गेंद जा रही सीमा पार, फील्डर बनेंगे दर्शक और दर्शक बनेंगे फील्डर, अंपायर का इशारा 6 रन, 6 रन से स्कोर जा पहुंचा उछलता कूदता 19 रन। अब 4 गेंदों में समीर ने 9 रन खर्चे हैं, 2 गेंदों का खेलाना बाकी। तो मैंने यही कहा था कि मुदस्सिर जो उत्साह में खेल रहे, तो उत्साह में कम और भरोसे में ज्यादा खेलो। तो मेरे कॉल पर खड़े उतरते हुए फिर से एक मरतबा समीर का सामना करेंगे। अच्छी गेंद हुक करना चाहते थे, लेग की दिशा में लपेटना चाहते थे, रुकी हुई गेंद के साथ रुका हुआ स्कोर है 19। आखिर एक गेंद आना बाकी, 5 गेंदें हो चुकी है, 5 गेंदों में केवल 9 रन खर्चे है अब तक। तो आने वाला वक्त बताएगा कौन किस पे कितना हावी। टॉस जीतकर मंडनगर का फैसला था फील्डिंग, यानी फैसला में कहूंगा कि कंपलसरी चेस सिचुएशन में आपका फैसला फील्डिंग, तो किस हद तक सही साबित होगा। अब उमेश गेंद के नीचे और एक आसान सा कैच छोड़ा है, कैच नहीं मैच छोड़ा है। इससे पहले 6 लगाया था, इस 2 रन से स्कोर जा पूछा उछलता कूदता 21 रन। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 ओवर्स लॉस ऑफ 0 विकेट स्कोर मूव्स टू 21। नो टीम प्लानिंग प्लीज। तीसरी ओर लेकर फिर से एक मरतबा मंगेश, जी तो अभी भेजता हूं मैं एक खिलाड़ी पानी लेके जाए, तेलंगाना का एक खिलाड़ी पानी लेके जाए, यू गया और यू आया, 2 ओवर हो चुके हैं। तेलंगाना का एक खिलाड़ी दौड़ते हुए पानी लेके जाए, अंपायर और शुरुआत ना करे फिर अगर पानी भेजना है तो। इधर बॉटल भरी हुई है, मांगते ना पानी मजा देना। मंगेश अच्छी गेंद थी, समझ बुझ भरी गेंद, कहीं पे निगाह कहीं पे निशाना, इनसाइड एज लेकर बदन पे आती हुई गेंद, रुकी हुई गेंद के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है 22 रन। तो 13 गेंदें हो चुकी है अब तक, स्कोर जा पहुंचा है 22। अभी भी 11 गेंदों का खेलाना बाकी है, आने वाला वक्त बताएगा कौन किस पे हावी। फुलटॉस लाइन की गेंद, फुलटॉस देने बल्लेबाज को दावत, काव कॉर्नर में उमेश फील्डिंग करते, तब तक पहला रन तेजी से मुकम्मल किया, 2 रन की कोशिश, अच्छी फील्डिंग कहूंगा, 2 रन बचाए अपने टीम के लिए, काबिले तारीफ फील्डिंग। डीप मिड विकेट पे थे और वहां से काव कॉर्नर तक आकर फील्डिंग की, वेल फील्ड उमेश, 2 रन बचाए अपने टीम के लिए, 2 रन से स्कोर जा पहुंचा उछलता कूदता 24 रन। जी उनकी फिटनेस बता रही सर के उनकी ट्रेनिंग कैसी होती है। फिर से एक मरतबा एक आसान सा कैच, इस बार साचे को तैयार किया था, उस साचे में फंसते हुए मुदस्सिर, तो पहला कैच जरूर छूटा था, दूसरा कैच नहीं छोड़ूंगा, इससे पहले बातें जरूर सुना था अब नहीं सुनूंगा, ऐसा वाला मुकाबला, एक तेरी तो दूसरी मेरी। और रुकी हुई गेंद के साथ रुका हुआ स्कोर 26 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। तो वेल प्लेड मुदस्सिर, अपने टीम के लिए जाती स्कोर 12 रन बनाकर पवेलियन लौटे।
जी सर, दो रन भागे गए थे। मैं हर गेंद पे गेंद बताऊंगा, हर गेंद पे रन बताऊंगा, अगर गलती होती है तो सुधारना जरूर। फिर से एक मतलब मंगेश टू समीर, तेज तर्रार गेंद, काबिले तारीफ गेंदबाजी। अंपायर से दाद जरूर मांगी, अंपायर के इशारे के मुंतजिर। अंपायर ने जमीन के समांतर हाथ दिखाए, वाइड कहा, टोटल दो मिलेंगे। इस दो से स्कोर जा पहुंचा 26 रन। तो अच्छी गेंदे कर रहे थे, उसके बाद एक एक्स्ट्रा गेंद फेंकी, इन्हें 6 गेंदे करने के लिए 7 गेंदे फेंकने होंगी। अब तेलंगा के जानिब से एक जारहाना बल्लेबाज इंजिमाम। करना चाहते थे, अटैक इज बेटर देन डिफेंस। इनसाइड एज लेकर कीपर के दस्तानों से पीछे जाती हुई गेंद, दो रन आसानी के साथ मुकम्मल की। तीसरे रन के लिए जरूर दौड़ेंगे, लेकिन रोका समीर ने। दो रन से स्कोर जा पहुंचा, उछलता कूदता 28 रन। 4 गेंदों का खेल हो चुका है, 2 गेंदों का खेलाना बाकी है। स्कोर जा पहुंचा 28। तो इस ओवर में, पहली ओवर में केवल 9 रन खर्चे थे, 10 रन खर्चे थे। उसके बाद अब इस ओवर में अब तक 7 रन खर्चे हैं और केवल 1 विकेट हासिल किया है। अच्छी गेंद, बल्ले के बीच से किया प्रहार, गेंद जारी सीमा पार, अंपायर का इशारा झटकार। गेंदबाज के मस्तक पे दस्तक देती हुई गेंद, अंपायर का इशारा 6 रन। स्कोर जा पहुंचा 6 रन के साथ उछलता कूदता 34 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। मैंने क्यों कहा था कि इस खिलाड़ी के बल्लेबाजी से वाकिफ है मंडनगढ़ के खिलाड़ी, के मंडनगढ़ पाट रोड बोरीचा माल उस क्रीडा नगरी पर इस बल्लेबाज ने आग उगला है। जैसे जैसे बताते चलूंगा, कम से कम 2 बार ये टीम चैंपियन रह चुकी है उस क्रीडा नगरी पर, तो एक दूसरे के खेल से वाकिफ जरूर रहेंगे। इंजिमाम 2 गेंदों का सामना किया, 8 पर खेलते हुए तालियों की गजर के साथ 6 का स्वागत हुआ था। आखिरी गेंद मंगेश की इंजिमाम के लिए, राइट हैंड ऑफ द विकेट, फुल एंड डिलीवरी, सीधे बल्ले से खेला जरूर है। लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में समीर जब तक फील्ड करते, अच्छी फील्डिंग कहूंगा, 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल जरूर किए। तीसरे रन के लिए जरूर दौड़ेंगे, लेकिन 2 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। स्ट्राइक रखेगा समीर अपने पास, 2 रन से स्कोर जा पहुंचा, उछलता कूदता 3 ओवर की समाप्ति पर 36 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। एक रोल बोल दी जाए, 18 गेंदों की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा 36 रन। जी 3 ओवर हो चुके हैं, 12 की सरासरी से चलता हुआ तेलंगा ए टॉस जीतकर मंडनगढ़ पुलिस का फैसला फील्डिंग करना, तो ये फैसले से मैं नाकाम या नाखुश क्यों कि टॉस जीतकर आप फील्डिंग कर रहे हो, कंपलसरी चेस सिचुएशन में 1 गेंद 7 आता है, आपका बल्लेबाज 6 लगाता है, तो कंपलसरी सिचुएशन में आप हार जाओगे। बॉलर्स सोनावने सर, सोनावने राइट हैंड राउंड विकेट, एक तेरी तो एक मेरी, एक इंजिमाम ने की एक मैं करूंगा। फुल टॉस ने बल्लेबाज को दावत, उस दावत को एक्सेप्ट करते हुए स्कोर जा पहुंचे उछलता कूदता 42 रन। तो 5 गेंदों का खेल आना बाकी है। सोनावने सर के ओर से राइट हैंड मोड़ दो विकेट, गेंदबाजी करेंगे, दूसरी गेंद वहां मौजूद है, गेम चालू किया जाए। राइट हैंड मोड़ दो विकेट, फिर से एक मतलब फुल टॉस, बहुत ही बेहतरीन खाड़ी में जाती हुई गेंद, अंपायर का इशारा 6 रन। 6 रन से स्कोर जा पहुंचा उछलता कूदता 48 रन। तो जिस बल्लेबाजी की दरकार, जिस बल्लेबाजी की जरूरत तेलंगा ए को थी, उस बल्लेबाजी पर खड़े उतरते हुए फिर से एक मरतबा सोनावने फुल टॉस लड़की गेंद, फिर से एक मरतबा वही प्रहार, गेंद जारी सीमा पार, बहुत ही लंबा सिक्स, और सऊद के लिए 25 रुपए का इनाम। अफनान की जानिब से समीर के लिए 200 रुपए का इनाम आ चुका है। तो इनामों की बरसात होती हुई, क्या यहाँ गिब्स और क्या यहाँ युवराज सिंह की याद दिलाएंगे? जफर भाई इनाम नहीं लगा रहे। तो तेलंगा ए तालियां बजा, अर्धशतक मुकम्मल हो चुका है।
फिर से एक मरतबा चौथी गेंद पे सिक्स लगाना चाहते थे इनसाइड एज लेकर कीपर के दस्तानों से लक का प्रतिशत अंपायर का इशारा चार चार रन से स्कोर जा पहुंचा 58 रन लॉस ऑफ ओनली वन विकेट। तो चार गेंदों में अब तक 22 रन खर्चे सोनाओ ने सर ने। समीर के लिए दो में दो लगाएंगे तो 200 रुपए का इनाम, दो में दो सिक्स लगाते हैं तो अच्छी गेंद। फुल टॉस लाइन की गेंद थी पूरी तरह से चुके, आखिरी गेंद पे स्ट्राइक रखेंगे इंजिमाम। स्कोर जा पहुंचा है 59। 24 गेंदों का मारे जीत मैच अब तक का आज के दिन का हाईएस्ट स्कोर होता हुआ। यही कहूंगा कि एडवांटेज रहता है होम ग्राउंड पे, होम ग्राउंड की टीम जब होम ग्राउंड पे खेलती है उनको ग्राउंड की लंबाई, पिच की लंबाई, पिच के टप्पे पता रहते हैं। आखिरी गेंद इंजिमाम हेलीकॉप्टर उड़ाना चाहते थे लेकिन विकेट गवा बैठे। 24 गेंदे और 60 रन की जरूरत। तेलंगा के खिलाड़ी तालियां तो बजनी चाहिए एक बार समीर और इंजिमाम के लिए, वेल प्लेड। और अफनान अपना इनाम जमा करे। दूसरी बात, मंडनगर पुलिस बल्लेबाजी के लिए शामियाने में से जाना, मांडवा तुन बैटिंग सली जाए से। और तेलंगा मैं सारे टीमों को कहता हूँ, आप यजमान हो यानी आपने ये आयोजन किया है तो आप टाइम पास नहीं करेंगे प्लीज। तो तेलंगा के शायकीन ने मंडनगर पुलिस के लिए नशिस्ते खाली करनी है। वेल प्लेड इंजिमा, वेल प्लेड समीर। चौबीस गेंदे और 60 रनों का लक्ष्य, तो लक्ष्य कैसे हासिल करेंगे 24 गेंदों में कितने की सरासरी? तो 15 रन बनाने होंगे। 15 रन बनेंगे कैसे? पहली गेंद पे छक्का लो, बाकी के पांच गेंदों पे हर गेंद पे दो रन, एक आसान सा हिसाब किताब। फील्डिंग सज चुकी है मंडनगर पुलिस। एक इज्जत और इल्तिमास के साथ कहूंगा बल्लेबाज ग्राउंड का ताबा ले। बल्लेबाज भेज दे बल्लेबाज। मंडनगर पुलिस तो बल्लेबाज है उमेश और नरेश। एक अच्छी फिजिक ट्रेनिंग का फायदा होता है ये। आप पुलिस लोगों की दौड़ देखिए कि थकते नहीं है, तो जो दौड़ जो प्रैक्टिस आपकी आपके ग्राउंड में होती है वही इधर दिखानी होगी कि एक को चेंज करो दो में, दो को चेंज करो तीन में, तभी फील्डर्स पे दबाव बढ़ेगा, वही दबाव आपको जीत दिलाएगा। क्या है क्रिकेट? तो धूप हो छाओ या हो बारिश, खेलते रहना इसे कहते हैं क्रिकेट। क्या है क्रिकेट? तो माँ बाप से झूठ बोलकर क्रीड़ा नगरी में आना, इसे कहते हैं क्रिकेट। क्या है क्रिकेट? गर्लफ्रेंड है, बीवी है, बच्चे हैं, उनको झूठ बोलकर कहीं और चले जाना और क्रिकेट खेलना, इसे कहते हैं क्रिकेट। जी अदनान हंसे जरूर, अदनान ने ये किया है काम। इसके बाद होने वाला सामना जी
अम्बेद और लोंशी दोनों टीमों के कप्तान से गुजारिश करूंगा टॉस उड़ाने के लिए माइक के पास आए। पहली गेंद पे बल्ले के बीच से किया है प्रहार, गेंद के नीचे इंजिमाम शायद अनवर माफी चाहता हूं, एक आसान सा कैच। गेंदबाज है फुजेल, तो पहली गेंद पर अनवर एक अच्छे फील्डर है तेलंगा के जानिब से, तो पहली गेंद पर नरेश पवेलियन लौटे जीरो रन बनाकर, उमेश क्रीज पर मौजूद उनका साथ देने के लिए मंगेश, नाम देखिए उमेश नरेश मंगेश ई एस एच। फुल टॉस लाइन की गेंद, अच्छे फील्डिंग करने का प्रयास जरूर किया था। लोंची के कप्तान यहां आ चुके हैं, अम्बेद के कप्तान से गुजारिश करूंगा नजीफा इलेवन अम्बेद। दो गेंदे और एक रन, तीसरी गेंद लेकर पटकी हुई गेंद आड़े बल्ले से फ्लिक करना चाहते थे अंपायर फैजान ने बाहे को लिया, अंपायर ने कहा वाइड, इस वाइड से इसको जा पूछा है दो रन, तीन गेंदे और दो रन, पंद्रह की सरासरी से चलना है मन्नतगढ़ पुलिस को अगर मैच जीतना है तो। पहली गेंद पे विकेट गया था, दो गेंदे दो रन माफी चाहता हूं। अच्छी गेंद फिर से एक मरतबा प्रहार 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 और प्रहार में हार, इसी के साथ मंगेश का विकेट का पतन। तीन गेंदे हो चुकी है, तीन गेंदों को खेलाना बाकी। रमेश अब मंगेश की जगह संभालेंगे रमेश, फिर से एक मरतबा अंपायर जमीन के समान रहा दिखा के वाइट का, इस वाइट से इसको जा पहुंचा है। तीन रन, तीन गेंदे और तीन रन, अंबेद टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया है, तो इस इनिंग के बाद लोंशी तैयार रहना है बल्लेबाजी के लिए। पटकी हुई गेंद आरे बल्ले से फ्लिक करना चाहते थे, लपेटना चाहते थे हल्की तरह से, पहला रन तेजी के साथ मुकम्मल किया, दूसरे रन की खतरा हो सकता है। अच्छा थ्रो कहूंगा समीर का, जितनी अच्छी फील्डिंग उतना ही अच्छा थ्रो, दो रन लेने से नहीं रोक सकते, दो रन स्कोर जा पहुंचा। पांच चार गेंदे और पांच रन, तो दो गेंदों में दस रन बनाने होंगे उमेश को अगर अपने रिक्वायर्ड रन रेट को बनाना है तो। पंद्रह की सरासरी से चलना था, चार गेंदे पांच हो चुका है, दो गेंदों में दस बनाओ। अच्छी गेंद काव कॉर्नर का सिक्स या कैच कैच, जी सपोर्ट देखिए तेलंगा के सारे शायकी तालियों के गजर के साथ। अनवर के लिए एक बार तालियां बजाए, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग। तो अब पांच गेंदे और पांच रन, अब उमेश की जगह संभालेंगे साई, तो बल्लेबाज वहां पहुंच चुके हैं। उमेश सर से गुजारिश करूंगा ग्राउंड का ताबा छोड़िए, आखिरी गेंद लेकर अच्छी गेंद सम्मानजनक स्ट्रोक और की समाप्ति फुजेल की, छह गेंदे और पांच रन, तीन विकेट हासिल किए। अब साई और रमेश के कंधों पे सारा दारोमदार, अब तलहा गेंदबाजी का भार संभाले हुए। तो 24 गेंदे 60 रनों का लक्ष्य था, 24 गेंदे 60 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए ताश के पत्तों की तरह बिखरते हुए बल्लेबाजी मंडनगढ़ पुलिस की, छह गेंदे पांच रन चार विकेट के नुकसान पर, तीन विकेट के नुकसान पर माफी चाहता हूं। चलो विकेट जा चुके हैं उमेश
मंगेश और नरेश के रूप में तलहा, वन ऑफ माई फेवरेट बॉलर इन तेलंगा। इस खिलाड़ी की तारीफ जितनी करो उतनी कम। जुई की क्रीडा नगरी ले चलू, आपको ले चलू वलौता की क्रीडा नगरी। मैच चल रहा था मेरे टीम के अपोजिशन में, अलियन स्टार क्रिकेट क्लब लाडोली बनाम तेलंगा का मैच, फर्स्ट राउंड का पहला ही सामना। मैच था 12 गेंदे और 12 रनों का। तलहा ने जो गेंदबाजी की थी काबिले तारीफ गेंदबाजी, बांधे रखा था अलियन स्टार क्रिकेट क्लब के गेंद बल्लेबाजों को। एक उभरता हुआ खिलाड़ी, इस पत्थर को अगर तराशोगे तो तेलंगा के लिए हीरा मिलेगा। दो गेंदे हो चुके, दो गेंदों पे दो रन जरूर जोड़े, स्कोर जा पहुंचा है 7 रन, 4 गेंदों का खिलाना बाकी। एक लंबे रन और एक अच्छे स्टैंजा और एक्शन के साथ गेंदबाजी तला द्वारा, ऑन द टारगेट फेंकी हुई सारी गेंदे। तीसरी गेंद लेकर तीसरी मरतबा राइज होकर सफल होकर खेलने का प्रयास जरूर किया था, पहले ही भाप लिया था गेंदबाज की लंबाई को, और 4 रन जरूर मिलेगा अगर इंजिमा फील्ड नहीं करते तो। लेकिन फिर से एक मरतबा 4 रन, इस 4 रन से स्कोर जा पूछा, उछलता कूदता 11 रन, 3 गेंदे और 6 रन खर्च करते हुए तलहा। लेकिन बल्लेबाज की तारीफ करूंगा कि शॉर्ट अप लाइन की गेंद थी, सफल हुए थे, जब पता था कि गेंद की लंबाई पर नहीं पहुंचूंगा तो एक कदम पीछे गए, बैकफुट पे जाकर एक अच्छा स्ट्रोक खेलने के लिए देखने के लिए मिला साई के बल्ले से। फिर से एक मरतबा साई, 11 हो चुका है। पहली ओवर में 5 था, उसके बाद 2 सिंगल आए, 7 और 4 11, अच्छी गेंद। धुन कर ले का एक कर ले, पंच जो पहली गेंद पे एक आया था या 2 आए थे जी, तो स्कोर जा पहुंचा इस 1 रन के साथ 13 रन। तलहा अंपायर अपना इशारा सुनाए हर गेंद पर, हर रन पर, ताकि हम दोनों के लिए आसानी हो। अच्छी गेंद, बहुत ही बेहतरीन गेंद, फिर से एक मरतबा अनवर को गेंद नहीं छोड़ेगी और अनवर ना ही गेंद को छोड़ेगा। मुदस्सर ने पकड़ा है, माफी चाहता हूं, तो लगता हुआ यह चौथा झटका। स्कोर जा पहुंचा 13 रन 4 विकेट के नुकसान पर। जी मंडनगर पुलिस के लिए मैं एक हौसला जनक बात कहूंगा कि ऐसी उम्र में ऐसा क्रिकेट खेलना अपने आप में एक हौसले वाली बात, क्योंकि आपकी फिटनेस के लिए मेरा सलाम। हमारे तालुके में इक्का दुक्का खिलाड़ी है जो इस उम्र में क्रिकेट खेलता है, वरना जी तो इक्का दुक्का खिलाड़ी के महबूब भाई को पकड़ लो, जुई से फहद और जहूर को पकड़ लो, चांडवा से सिर्फ जाहिद भाई को पकड़ लो। तो ऐसे उम्र में क्रिकेट खेलना, तो तुम्हारे फिटनेस को मेरा सलाम कि आप 1 को 2, 2 में 2 को 3 में कन्वर्ट कर रहे हो। मौलाना ने यहां मुझे कहा कि ऐसी उम्र में ऐसा स्ट्रोक खेलना तेज तर्रार गेंदबाज के सामने, तो अपने आप में एक सलाम वाली बात। अब खिजर महबूब भाई के दुख्तर, महबूब भाई के बेटे, माफी चाहता हूँ महबूब भाई, खिजर फ्लो में निकल गया, बरखुरदार जी सुधारने के लिए शुक्रिया। राइट आर्म ओवर द विकेट, स्ट्राइक गेंदबाज तेलंगा के जानिब से। अच्छी गेंद, इंजमाम गेंद पे मौजूद, अच्छी गेंद, डायरेक्ट हिट हो सकता था, डायरेक्ट हिट था जी, डायरेक्ट हिट था। इस 1 रन से स्कोर जा पहुंचा है 14 रन, क्योंकि मैं स्टंप से काउ कॉर्नर में सीधा बैठा हुआ, डायरेक्ट हिट था वो। अच्छी गेंद, समझ बूझ मेरी बल्लेबाजी, जब ग्राउंड बड़ा हो तो इसी बल्लेबाजी की जरूरत होती है। 2 रन आसानी के साथ जरूर मुकम्मल किए, तीसरे की कोशिश, तीसरा रन भी मुकम्मल, चौथे रन के लिए दौड़ेगा या नहीं आने वाला वक्त बताएगा। 3 रन से स्कोर जा पूछा, उछलता कूदता 17 रन, 2 गेंदे हो चुकी है, तीसरा ओवर प्रोग्रेस पे है। असलम भाई जो के फर्स्ट स्लिप में खड़े है, उनका भी उम्र 48 है मुझे बता रहे यार। अच्छी गेंद,
बल्ले स्कूप करना चाहते थे, लेकिन पूरी तरह से चुके, गलती को यहां माफी नहीं। रुके हुए गेंद के साथ रुका हुआ स्कोर है 17। तीन गेंदे हो चुके, तीन गेंदों को खेलाना बाकी। अच्छी गेंद, अब कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना, तू चल और मैं आया वाली बल्लेबाजी। लंबे से ही ट्राई करना चाहते थे, बल्ले ने हवा देने का काम किया, बाकी के काम विकेट कीपर इरफान ने अंजाम दिया। रुकी हुई गेंद के साथ रुका हुआ स्कोर 17 रन, 4 गेंदे हो चुके, 2 गेंदों का खेलाना शेष। फुल टॉस लाइन की गेंद, अब अनवर, अनवर से गलती होती हुई। अगर यहाँ इनाम लगाया जाता तो इनाम के हकदार जरूर थे, क्योंकि इससे पहले कहा गया था कि अनवर अगर कैच छोड़ते तो 1000 रुपए का इनाम होगा, शायद उन्होंने सुन लिया था क्योंकि माइक चल रहा था, लेकिन अनवर इनाम नहीं लगाया गया था। तो इस एक रन से स्कोर जा पहुंचा है 18 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। अब साई, एक अच्छा क्रिकेट खेला जा रहा है साई की जानिब से। यूट्यूब रिव्यू करके उनके सारे शॉट्स देख लो, हर स्ट्रोक पे एक सेंसिबिलिटी दिख रही है। इस ओवर की लगभग ओवर हो चुकी है, स्कोर जा पहुंचा है 1 रन के साथ 19 रन। अब 6 गेंदे और 41 रनों की जरूरत, 6 चेंडू और 41 धावा। जफर भाई की जानिब से अदनान के लिए 3 विकेट पे 500 रुपया। आखिरी ओवर लेकर अदनान, पहली गेंद सीधे बल्ले से खेला गया स्ट्रोक, कवर के क्षेत्र में गेंद जाती 4 रनों के लिए। 4 रन से स्कोर जा पहुंचा, उछलता कूदता 23 रन। साई का स्कोर बताओ जरा मुझे, और बैट्समैन अगर 20 रन बनाते अदनान की ओवर में तो उनको 200 रुपए का इनाम जफर भाई की जानिब से। अंपायर का इशारा वाइड, इस वाइड से स्कोर जा पहुंचा है 24 रन। तो मैं रन गिनूंगा, अदनान के 2 गेंदों में 5 तो खर्च कर चुके हैं, अब केवल 15 रन बनाने हैं। फुल टॉस लाइन की गेंद, तो पहला विकेट हासिल करते हुए एक सेट बल्लेबाज साई को पवेलियन लौटाया। अब हीरा, तो वेल प्लेड साई, एक अच्छी बल्लेबाजी, तालियों के गजर के साथ स्वागत होगा साई की बल्लेबाजी का। 2 गेंदे हो चुकी है, अब हीरा, अदनान टू हीरा। फुल टॉस लाइन की गेंद, अंपायर ने बाहे को लिया, अंपायर ने कहा वाइड, वाइड से स्कोर जा पहुंचा है 25 रन। तो 2 गेंदों में 6 रन खर्च किए हैं, 4 गेंदों में 14 रन बनाने हैं, 200 रुपए जीतने हैं। तो राइट हैंड मोड़ दो फिर से एक मरतबा, फुल टॉस लाइन की गेंद, फिर से एक मरतबा कीपर के दस्तानों से पीछे जाती हुई गेंद, अंपायर ने वाइड कहा, इस वाइड से स्कोर जा पहुंचा है 26 रन। तो 2 गेंदे केवल की है, 2 गेंदों में 7 रन खर्चे हैं अब तक। अच्छी गेंद थी, समझबूझ भरा ढकेला हुआ स्ट्रोक, इंजिमाम ने एक अच्छे फील्डिंग करके अच्छा थ्रो। 3 गेंदे हो चुके, स्कोर जा पहुंचा है 27 रन। समीर और हीरा, अदनान एक लंबे रनअप के साथ, एक लंबे कद का खिलाड़ी, अब तक 8 रन खर्च कर चुके हैं अपने ओवर में। फिर से एक मरतबा वाइट, लगभग ये चौथा वाइट है इस ओवर से, स्कोर जा पहुंचा इस वाइट के साथ 28 रन। तो
चार वाइड अब तक फेंके हैं अदनान ने, अरे 9 रन खर्चे हैं अब तक 3 गेंदों पर। अच्छी गेंद, इस बार सही कमबैक किया, तो 4 गेंदे हो चुके हैं, 2 गेंदों का खिलाना बाकी। अदनान राइट हैंड मोड़ दोगे आखिरी गेंद लेकर, फुल टॉस लाइन की गेंद, खिजर वहां मौजूद है, तो अच्छा फील्डिंग, एक अच्छा थ्रो, इस एक रन से स्कोर जा पहुंचा 29 रन। आखिरी गेंद अदनान के ओवर से हीरा सामना करेंगे और ओवर की समाप्ति, नो बॉल। अम्बेत ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया, तो अम्बेत से गुजारिश करूंगा कि कॉल का इंतजार ना करें, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस गेंद के बाद ग्राउंड का ताबा लेना है। आपका सेकंड राउंड है, आपको पता है कि आपका कौन सा खिलाड़ी कहां तैनात था, तो टीम प्लानिंग करने के बाद जितनी जल्दी हो सके फील्डिंग सजा ले। लोनशी अपने सलामी बल्लेबाज तैयार रखे। और मेरे साथी खिलाड़ी नबील, मैं आपसे गुजारिश करूंगा नबील, अगर आप नबील पटेल यहां हो तो प्लीज कॉन्टेक्ट टू माइक। थैंक यू मंडनगर पुलिस, थैंक यू। तेलंगाना ने मैच जीत लिया है, जीती हुई टीम का स्वागत और हारी हुई टीम का भी स्वागत।